15 अगस्त 2021 को सभी भारतवासियों ने अपना 75वां अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिन मनाया। वीर शिवाजी की गाथाएं इसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्लाइडिंग केंद्र पुणे, इंडोसाइंस एजुकेशन ट्रस्ट और एरोस्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त विद्यमान से एक अनोखे साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक साहसी वीर बाला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में थी। अपने हाथों में भारत का तिरंगा लेकर वो पैरामोटर में बैठ गई और ऊंची उड़ान भरते हुए आसमान की तरफ तिरंगा लहराते हुए चल पड़ी। तब सभी ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस समारोह का आयोजन लड़कियों को प्रबल, शक्तिशाली तथा निडर बनाने के लिए और उनमें आत्मविश्वास को उजागर करने के लिए किया गया था। अंतरिक्ष में जाने के लिए उनमें इस समारोह के कारण प्रेरणा मिलेगी और हमारा यही उद्देश्य रहेगा, भारत की हर बेटी उस आसमान को छुए और देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दे। आज हर क्षेत्र में अग्रगण्य है भारत की बेटियाँ, अब इस खुले आसमान पर भी भारत का परचम लहराएंगी हमारे देश की बेटियां। जय हिंद, जय भारत।
Francis Santosh Harford from Walnut School. It was a very nice experience to represent women empowerment and show that women can do anything. It was an amazing experience to ride with Vijay sir. I am so happy that I got this great opportunity on this occasion of 75th Independence Day. I express my gratitude to Walnut School's principal Prachiti ma'am, Shimudra Martial Arts team Tushar sir, Indoor Science Education Trust Pune and in charge of Gliding Center Pune. I am so lucky that I have a supportive and friendly mother. Thank you. Jai Hind. नमस्कार, मी ज्योती संतोष हरपळे, मानसी हरपळेचे आई. काल 75व्या स्वातंत्र्य दिनी माझ्या मुलीने जे धाडस केले ते पाहून मला खूप आनंद झाला. ती भारताचा तिरंगा हातात घेऊन जेव्हा आकाशात झेपावली तेव्हा मला तिच्यामध्ये झाशीच्या राणीची झलक दिसली. ह्या शुभदिनी हा मान सर्वांना प्राप्त होत नाही, तरी माझ्या मुलीला तो मान मिळालेला पाहून मला तिचा खूप अभिमान वाटतो. तिने हे धाडस केल्यामुळे पुण्यातच नाही तर पूर्ण भारतात तिचा भारत की बेटी म्हणून गौरव झाला, ह्याचा मला अभिमान आहे. तरी मला असं वाटतं की समाजाने आता मुलगी झाली हो असं आनंदाने सांगितलं पाहिजे आणि त्यांना प्रगती करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, कारण प्रत्येक क्षेत्रात मुली ह्या एक पाऊल पुढेच आहेत. तरी मी इंडो सायन्स एज्युकेशन ट्रस्ट पुणे आणि ग्लायडिंग सेंटर हडपसर पुणे ह्यांनी माझ्या मुलीला ही संधी दिली, ह्याबद्दल मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद.